हेलो गाइज, मेरा नाम जीवन कुमार है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरमाइंड। सो गाइज, आज की इस वीडियो पर मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने पिक्सल लैब के लिए अनलिमिटेड फॉन्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग किसी भी डाउनलोडेड फॉन्ट को पिक्सल लैब में ऐड कैसे कर सकते हो। जानना चाहते हो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, तो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो प्ले होगा, जिस तरीके से मैं अपने मोबाइल में करूँगा और आपको बताऊँगा, सेम टू सेम आपको अपने मोबाइल में करना है। तो पिक्सल लैब के लिए अनलिमिटेड फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा। आप लोग गूगल क्रोम को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है डा फॉन्ट, जिस तरीके से मैं यहाँ पे सर्च करूँ डा फॉन्ट। उसके बाद आपको सिंपली से सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल जाता है, बस आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाए डा फॉन्ट का। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं, आप लोग अपने मुताबिक कोई भी फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे फॉन्ट हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे से कोई भी पसंद नहीं आता है तो आप लोग सिंपली से नेक्स्ट पर क्लिक करके और भी फॉन्ट को यहाँ से सिंपली सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे फैंसी देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे कैटेगरी भी देखने को मिल जाते हैं। आप लोग अपने मुताबिक कोई भी फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कोई भी फॉन्ट को डाउनलोड करके बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको सारे फॉन्ट जो मैं यूज़ करता हूँ उन सभी का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा, और आप लोग सिंपली स्क्रीनशॉट ले करके उसको डाउनलोड कर लेना है। तो फिलहाल मैं आपको कोई भी फॉन्ट को डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक सुपर कॉर्न का एक फॉन्ट देखने को मिल जाता है, और नीचे में नीच हनी का फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं, और साइड में आपको एक डाउनलोड करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो ये 100% फ्री है, मतलब आपको इस फॉन्ट को यूज़ करने पर कोई भी कॉपीराइट भी नहीं आएगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो बस आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये वेबसाइट फिर से रिलोड हो रहा है, और यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। बस आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हो हमारा जो फॉन्ट है वो फाइनली डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आप लोग यहाँ से बहुत सारे सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक फॉन्ट को डाउनलोड करके दिखाया हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फॉन्ट को पिक्सल लैब में कैसे ऐड करना है। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल बाइक करता हूँ। उसके बाद ये जो फॉन्ट हमने डाउनलोड किया है उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, ये एक जिप फाइल है, उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा फॉन्ट में। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको फोन स्टोरेज पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो फॉन्ट है ये एक डाउनलोड फोल्डर में जाएगा, तो बस आपको डाउनलोड वाले फोल्डर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको उस फॉन्ट को सेलेक्ट करना है जिस फॉन्ट को आपने डाउनलोड कर रखा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सुपर कॉर्न जिप जो फॉन्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बस आपको फॉन्ट के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख लो आपसे दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, ये जो फाइल है इसको आप स्टोर करना कहाँ स्टोर करोगे, जैसे डाउनलोड वाले फोल्डर में या फिर कोई अलग फॉन्ट वाले फोल्डर बना रखे हो उसमें। तो फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैं किसी और अलग फोल्डर में डाल कर दिखाता हूँ। तो सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करना है, फोन स्टोरेज पर क्लिक करना है, और एग्जाम्पल के लिए मैं इसको डॉक्यूमेंट में डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं टिक करता हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये फॉन्ट है वो फाइनली एक्सट्रैक्ट हो चुका है, मतलब एक फॉन्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ से बाइक आ जाना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कोई भी फॉन्ट को, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो फिलहाल मैं इसी का फॉन्ट चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको स्वाइप करना है। उसके बाद आपके सामने फॉन्ट देखने को मिल जाएगा, फॉन्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको माय फॉन्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉन्ट को ऐड करना होगा, तो बस आपको यहाँ से गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उस फाइल को सेलेक्ट करना होगा जिस फाइल में आपने फॉन्ट को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके स्टोर किया है। तो मैंने डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में ऐड किया था, तो यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर को सबसे पहले चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं, तो ये रहा डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर, बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सुपर कॉर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐड टू डिक्शनरी पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग फर्स्ट में देख सको यहाँ पे ये जो फॉन्ट है वो फाइनली ऐड हो चुका है। यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ओके पर क्लिक करता हूँ।
तो आप लोग देख सकते हो ये कितना कूल लग रहा है। हालांकि ये उतना कूल भी नहीं है, बस मैं आपको बता दिया हूँ कि ऐसे ऐड करना है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे ऐड करना है, डाउनलोड करना है, सब कुछ तो पता चल गया होगा। अब मैं आपको, मैं पर्सनली जो फॉन्ट को यूज करता हूँ, उन सभी का फॉन्ट का मैं लिस्ट आपको दिखाता हूँ। आप लोग सिंपली स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद गूगल क्रोम से इजीली डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से मैं फॉन्ट पर क्लिक करता हूँ, माय फॉन्ट पर क्लिक करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे फॉन्ट हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से इतना लिस्ट का। यहाँ पर देख सकते हो खांड बोल्ट, अकीरा एक्सपेंडेड, स्मैक बूम, कॉमी कॉमी कक्स, मॉन्ट हैवी, डिम जम्पर, पर्सनल, बहुत सारे फॉन्ट हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद यहाँ से मैं नीचे करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद यहाँ से मैं और नीचे करता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। उसके बाद और नीचे करता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। रोबोटो ब्लैक है, जहाँ से बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं, ले लिया। उसके बाद मैं और नीचे करता हूँ। उसके बाद यहाँ से भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं पॉपुलर फॉन्ट का नाम बताता हूँ। पॉपुलर फॉन्ट है टेको बोल्ट, ये बहुत तगड़ा है। यहाँ से रोबोटो बोल्ट, ये भी बहुत तगड़ा है। और यहाँ से एक पफिन बोल्ट, ये भी बहुत तगड़ा है। और पॉपिन एक्स्ट्रा बोल्ट, ये भी बहुत ख़तरनाक है। लेमन मिल्क बोल्ट भी बहुत तगड़ा है। और यहाँ से मोंट हैवी डेमो, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद खांड बोल्ट, ये भी बहुत पॉपुलर, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया, आप लोग सिंपली गूगल क्रोम पे जाओ, डाउनलोड करो और अपने पिक्सल लैब में ऐड करो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पिक्सल लैब के लिए अनलिमिटेड फॉन्ट कैसे डाउनलोड करना है और उसको पिक्सल लैब में कैसे ऐड करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और अगला कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे आप नीचे कमेंट बताएं। तो चलिए आज किस कमाल की वीडियो को समाप्त करते हैं।